नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? होना घर पे बिल्कुल ठीक, बिल्कुल घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। कोई बहुत ज़रूरी काम है तो ही आप बाहर जाएंगे, और बाहर जाते वक्त आपको ध्यान में रखना है, मुंह पर मास्क लगाइए, हाथों पर हैंड सैनिटाइज़र लगाइए, और आएंगे तो आपको ख्याल रखना है कि हाथ पैर धो लेना है अच्छे से, बार बार हाथों को धोते रहिए, लोगों से बात करते वक्त दूरी बना के रखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस बार बार आप सब यही क्यों बोलते हो, इसीलिए बोलते हैं ताकि आप इन नियमों का पालन करें। चलिए अब बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। अब हम आ जाएंगे अपने हिंदी विषय की ओर। अब मेरा नाम तो आप जान ही गए होंगे, है ना? मैं आपकी हिंदी टीचर पूजा यादव शैक्षणिक वर्ष 2020 और 21 में आपका स्वागत करती हूँ। अब जल्दी से हम अपने हिंदी व्याकरण की ओर आ जाएंगे। व्याकरण सुन के बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि मिस व्याकरण हम कैसे करेंगे, बिल्कुल भी आराम से समझेंगे और लिखेंगे। चलिए सबसे पहला हमारा व्याकरण है संज्ञा। आप ध्यान से देखिए, मैंने आपके लिए लिखा है उसकी परिभाषा, और सुनते रहिए मुझे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा किसे कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण का नाम पता चलता हो। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे दिया है, राम, घोड़ा, मेज, दिल्ली इत्यादि, मतलब एक्स्ट्रा। तो राम नाम है, घोड़ा एक पशु का नाम है, मेज एक वस्तु है, और दिल्ली एक शहर का नाम है। अब बेटा ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हर किसी का नाम होता है ना, बिना नाम के कोई चीज़ है क्या? आपके पास है? मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पे दिया है, नोट कीजिए यानी ध्यान दीजिए, आपको यह बात आगे भी ध्यान रखनी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि संज्ञा में वस्तु के अंतर्गत सभी पशु, पक्षी, त्योहार, धर्म, दिनों के नाम भी आ जाते हैं, ठीक है? और इन सबको भी संज्ञा कहते है। अब विद्यार्थियों, ये तो हमने परिभाषा देख ली, व्याख्या देख ली, लेकिन जब तक हम खुद करेंगे नहीं, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि संज्ञा हम कैसे पहचाने? तो चलिए आइए यहाँ पे देखेंगे। मैंने आपके लिए संज्ञा लिख के रखी और उनकी पहचान भी की है। जैसे पहला हम पढ़ेंगे तो देखिए, साहिल पढ़ रहा है, तो इसमें संज्ञा क्या है हमारी? साहिल, बिल्कुल, जिसे मैंने रेखांकित किया है यानी अंडरलाइन करके रखा है। माँ खीर बना रही है, तो इसमें संज्ञा क्या है? माँ, क्योंकि यह एक नाम है और व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पतंग हवा में उड़ती है, पतंग हवा में उड़ती है पतंग। मोर नाच रहा है, अब इसमें नाच कौन रहा है? मोर, और हमारा संज्ञा क्या है? मोर। बेटा बहुत आसानी से हम संज्ञा का पता लगा सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम जानते हुए भी गलत पे रेखांकित करके, गलत चीज़ को अंडरलाइन करके कहते हैं यह संज्ञा है। आपको ध्यान में रखना है कि जिससे किसी का नाम, किसी की जाति, किसी की गुण की पहचान होती हो, या किसी पशु पक्षी या किसी महीने का नाम या किसी मौसम के नाम की पहचान होती हो, वह संज्ञा होती है, केवल वही संज्ञा होती है। आपको समझाने के लिए, अब ये तो मैंने लिख के रखा था, आपको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो भी निकाला है, आप ध्यान से देख लीजिए, तो उसके बाद हम आपका गृह कार्य देखेंगे कि मैंने आपको गृह कार्य क्या दिया है। परी, कहाँ हो तुम? चलो आज मैं तुम्हें एक नई जगह घुमाने ले चलती हूँ। एक नई जगह पर? किस लिए माँ? हाँ, एक नई जगह पर। वहाँ तुम्हें अलग अलग संज्ञाएं दिखाना चाहती हूँ। संज्ञा? ये संज्ञा क्या है? संज्ञा का अर्थ है नाम। तो फिर चलो, अगर मगर जगर चले हम घूमने संज्ञा के नगर। माँ माँ देखो, आहा कितनी सुंदर है ये नई जगह, स्वर्ग से भी सुंदर और प्यारी है। इस जगह पर तो मुझे बहुत कुछ दिख रहा है,
लेकिन इन सबको क्या कहा जाता है, क्या आपको पता है? देखो, चारों तरफ है हरियाली। ये हैं पहाड़, ये हैं आम का पेड़, उसी पर बैठे हैं बंदर। आगे देखो, चांदी सा झरना बह रहा है, जो नदी के कानों में न जाने क्या कह रहा है। वो देखो बगीचा, बगीचे में बैठे हैं दादाजी, बच्चे को घुमा रही है माताजी, आइसक्रीम खा रही है लड़कियां, पौधे लगा रहा है माली। वो देखो फूल के गुच्छे, इन्हें देखकर मधुर गीत गा रही है तितलियां। वो देखो यहाँ और भी कुछ दिख रहा है। जी हाँ, ये गांव एक नगर है, और यहाँ देखो नदी में मगर है। वो मकान, गलियां, मैदान है, गांवों में खेत, पेड़, झोपड़ियां हैं। वो लोग कौन हैं? ये हैं लड़के जो तरह तरह के खेल खेलते हैं। कुछ लोग अलग अलग काम करते हैं, कुछ रास्ते पर चल रहे हैं। देखा तुमने परी, इन सभी का कोई न कोई नाम है। यही नाम इनकी पहचान है, यानी इन्हें इनके नाम से पहचानते हैं। तो बच्चों, आपने वीडियो देख लिए। दिखाने का मतलब सिर्फ इतना था वीडियो में बेटा, कि आपको और अच्छे से जानकारी मिले कि संज्ञा क्या है। अब आप अपना होमवर्क यानी गृह कार्य ले लीजिए। मैंने आपको बताया था कि आपको कॉपी किस तरीके से बनानी है। अब देखिए, गृह कार्य में क्या दिया है मैंने, दिए गए वाक्यों में से संज्ञा पहचान के रेखांकित करो। रेखांकित यानी रेखा खींचिए, अंडरलाइन कीजिए। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, सोना महंगा है, हाथी गन्ना खा रहा है, खरगोश बुद्धिमान होता है। अब इन चारों में आपको देखना है कि संज्ञा क्या है, उनको अच्छे से ढूंढकर आप रेखांकित करेंगे, तब जाके आपका गृह कार्य जो है वह पूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से लिखना है और आपको ही आपका गृह कार्य पूर्ण करना है, ठीक है? चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह व्याकरण समझ गया होगा। धन्यवाद।